हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके बताएं कैसे हैं आप लोग। आज हम क्या देखने वाले, मोदी जी सिग्मा रूल्स मीम्स। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट थी मोदी जी की पे करो, हमने कहा क्यों नहीं, इतने दिनों बाद मोदी जी पे लाए हैं तो लानी तो बनती थी ना, आप लोग की रिक्वेस्ट थी। तो चले वीडियो देखते हैं, इसमें देखते हैं हमें क्या देखने को मिलता है मोदी जी का। और वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वी गो मोदी जी। मोदी जी क्या सोचेंगे, शो को देखने वालों से हमारी रिक्वेस्ट है कि शो देखने से पहले अपना ब्लड यूरिन और हर तरीके का टेस्ट करा लें। हम नहीं चाहते शो में हंसते हंसते अगर आप बेहोश हो जाएं तो आपके घर वाले हमको दोष दें। शो के दौरान ताली बजाने के बहाने मच्छर भी मार सकते हैं और मच्छर मारने के बहाने ताली भी बजा सकते हैं। बाकी अगर शो के दौरान आपको अंदर से कोई सुझाव देने का बहुत ज्यादा मन करे तो प्लीज अपने पास ही रखें, हमें ज्ञान न दें, हम बहुत ज्ञानी आशावादी होंगे। वो कहेंगे आधा ग्लास भरा हुआ है, जो निराशावादी है वो कहेंगे आधा ग्लास खाली है। मेरी तीसरी सोच क्या, और मेरी सोच ये है पानी है, ये ग्लास भरा हुआ है आधा पानी से आधा हवा से। ओह, हवा भी काम करो गाइस, ग्लास में। जीतुन जी, आपको मेरी तरफ से बहुत बधाई और आपके सभी जो 200-300 किसान आपके साथ जुड़े हैं उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। जी सर, सर एक मेरी थोड़ी सी और अर्ज है सर। हमारे जहाँ ये हमें एसटी गांव से सर बलान कर रखती हूँ, तो सर उसमें हमारे पहाड़ी लोग भी हैं सर, तो हमें जो भी मिला सर तो एसटीओ को मिला पहाड़ी, उससे भी गरीब है सर। एक मेरी अर्ज है सर, आपने मैं आपका बहुत आभारी हूँ और बहुत, क्योंकि मैं तो कश्मीर में काफी समय काम किया है तो मैं जानता हूँ क्या काम हमारे पहाड़ी भाइयों को कितनी तकलीफ है, उसी प्रकार से सर एक बात करवाल गुजर लोगों को क्या तकलीफ है, इससे भी मैं परिचित हूँ। लेकिन आपने ध्यान आकर्षित किया, मैं जरूर एलजी साहब को बताऊंगा और मैं इस विषय में जरूर कुछ न कुछ कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक ये कुलवंशी जी से बात करते हैं। ओके, प्रधानमंत्री जी, बहुत हद तक फोकस इस कैंपेन में राष्ट्रीय सुरक्षा पे रहा। आपके जो विरोधी हैं वो कहते हैं कि पीएम बार बार बालाकोट, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक का जिक्र इसलिए करते हैं क्योंकि वो लोगों का ध्यान रोजगार, एग्रेरियन डिस्ट्रेस, किसानों की हालत, इन तरह की चीजों से भटकाना चाहते हैं। आप इस आरोप को कैसे, आप कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है कि न्यूट्रल मीडिया है? आप साथ तो नहीं, आप हमारे साथ है, उनके साथ है, पहली बता दे यार हमें। के सिग्मा रूल ब्रेकर्स, इनको सब्सक्राइब कर दीजिए। कल यूएन ने इतना बड़ा निर्णय किया, क्या निर्णय, मैं हैरान हूँ। आज कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं कि चुनाव के समय अजहर मसूर का निर्णय यूएन ने क्यों किया, क्या यूएन की मीटिंग मोदी तय करता है क्या? अच्छा मान लीजिए जो कहता है, इतनी ताकत मोदी की है, अगर यूएन को यूएन से जो चाहे वो मोदी करवा सकता है, यूएन में चाहे वो डेट तैयार करवा सकता है, यूएन के अंदर चार फेज के चुनाव के बाद फिर एक तय तारीख करके करता है ताकि तीन फेज में फायदा हो, ये सब मोदी कर सकता है, तो फिर 130 करोड़ देशवासियों के लिए मोदी के बढ़कर और कौन चाहिए। वाह यार, ये अच्छा था, ये अच्छा था। उनका मतलब कि जो क्रिटिसाइज करने थे वही बदल दिया मोदी जी ने। मुझे परमात्मा ने जब बनाया तो उसके जो आईटी प्रोफेशनल थे उन्होंने ऐसा सॉफ्टवेयर डाला है कि मैं छोटा छोटा सोच ही नहीं रखता। साउंड म्यूट हो गया। टू 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 नो 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 के लिए दूध महंगा, खाने का तेल महंगा, दाल महंगी, आने जाने का पेट्रोल डीजल महंगा, खाना बनाने वाली गैस भी महंगी। वाह क्या सीन है। अब पुलवामा हुआ, पाकिस्तान को पता था कि आप कुछ ना कुछ तो करने वाले हैं, मोदी खाली तो बैठेगा नहीं, और पाकिस्तान ने पूरी तैयारी की थी उसको रोकने की, तो भी गए और बिना खरोंच के वापस आ गए।
उनको लगा था कि मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था तो इस बार ऐसा कुछ करेगा, तो इसलिए उन्होंने सब वहां पर खड़ा कर दिया, तामझाम पूरा, इवन अफगानिस्तान की बॉर्डर से भी लाकर यहां रख दिया, इवन बलूचिस्तान में जो है उनको भी लाकर के यहां रख दिया, सारे टैंक लगा दिए, राडार लगा दिए, सब लगा दिए। अब हम बजरंग बली की जय कर या फिर मोदी जी क्या सोचेंगे आंटी जी, मोदी जी बोलेंगे वाह क्या सीन है, नहीं मोदी जी बोलेंगे सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। तो कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो, मुझे तो बहुत ही जबरदस्त लगी। और वो जो रिप्लाई दिया ना ओपोजिशन के लिए वो बेस्ट लगा यार, वो सबसे बेस्ट था, क्योंकि ना ऐसा रिप्लाई दिया, अब वो ना इस चीज पे कभी भी क्रिटिसाइज कर ही नहीं सकेगा, और मजा आ गया रिप्लाई का। आप लोग भी कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी वीडियो, कैसा लगा रिएक्शन लाजमी बताना, और भी कोई ऐसी वीडियो वो भी कमेंट करके बताना, हम जरूर देंगे। तो क्या करना है आप लाइक कमेंट और तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।